नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अरोड़ा इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल के विवाह पर आपका आज हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारा आज का विषय है सैलरी सेविंग स्कीम्स अर्थात SSS। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण व उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सैलरी सेविंग स्कीम्स क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। यदि कोई केस आप सैलरी सेविंग स्कीम के अंतर्गत ब्रांच में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट व प्रोसेस है। फ्रेंड्स, SSS केसेस से जुड़े टर्म्स, कंडीशंस व रूल्स भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं, यदि आप कोई नया पीए कोड अर्थात पेइंग अथॉरिटी कोड इशू करवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। यदि कोई पीए कोड इनएक्टिव पोजीशन में है तो उसको दोबारा कैसे एक्टिव करवाया जा सकता है। फ्रेंड्स, SSS केसेस में एम्प्लॉयर व एजेंट की क्या भूमिका होती है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप फ्यूचर में बल्क में LSE प्रोसेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं आपको अश्योर करना चाहूंगा, यदि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप 100% अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अवश्य नोट कीजिएगा। दोस्तों, व्हाट इज SSS? दोस्तों, इससे भी पराए है जब एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों का वेतन देते समय LIC का प्रीमियम उसी में से डिडक्ट कर लेते हैं और उस डिडक्टेड प्रीमियम को LIC को भेजते हैं। इसको सैलरी सेविंग स्कीम्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, वर्तमान में क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी मार्केट में कार्य कर रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी सैलरी सेविंग स्कीम्स का ऑप्शन अपने पॉलिसी होल्डर्स को देती हैं। फ्रेंड्स, आपको जानकर खुशी होगी, सिर्फ LIC एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो अपने पॉलिसी होल्डर्स को सैलरी सेविंग स्कीम्स का ऑप्शन देती हैं फॉर द पर्पस ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। फ्रेंड्स, SSS के अंतर्गत कौन व्यक्ति पॉलिसी ले सकते हैं? दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनके एम्प्लॉयर को LIC ने पीए कोड अर्थात पेइंग अथॉरिटी कोड इशू कर रखा है, वह SSS मोड के अंतर्गत पॉलिसी ले सकते हैं, बशर्ते पीए कोड शुड बी एक्टिव। फ्रेंड्स, LIC ने पीए कोड कहाँ कहाँ इशू किए हुए हैं? फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, LIC ने पीए कोड ऑलमोस्ट जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, सेमी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट के हों, अंडरटेकिंग्स हों, नवरत्ना हों, गवर्नमेंट व प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, स्टेट ट्रांसपोर्ट्स के ऑफिस हों या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस हों, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, ऑटोनॉमस बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिग कॉर्पोरेट्स, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे LIC ने अपना पीए कोड इशू किया हुआ है। दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या कोई और दूसरी मिनिस्ट्री भी हो सकती है, रेलवेज, MTNL, BSNL, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस चाहे वे किसी भी स्टेट की हो, CRPF, BSF, ITBP, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, आर्मी, ONGC, एम। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, श्री गंगाराम हॉस्पिटल, एयर इंडिया, ITC, देर आर नंबर ऑफ ऑफिसेस जहां पर LIC ने अपना पीए कोड दिया हुआ है जो आज की डेट में एक्टिव है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को पॉलिसी समझा रहे हो जो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में कार्य करता हो जहां पर LIC ने पीए कोड इंट्रोड्यूस कर रखा हो, तो वहां पर आपको उस व्यक्ति को SSS मोड के बारे में जरूर बताना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे पॉलिसी SSS के अंतर्गत चाहिए? प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 155 जिसको कि अथॉरिटी लेटर कहते हैं, इसकी 3 कॉपीज लगेंगी। फ्रेंड्स, एनेक्सर 1A जिसको अडेंडम कहा जाता है, इसकी भी 3 कॉपीज लगेंगी। फ्रेंड्स, एनेक्सर 2A जिसको पॉलिसी क्लॉज नंबर 22 कहा जाता है, इसकी भी 3 कॉपीज लगेंगी। फ्रेंड्स, हम ये 3 कॉपीज क्यों मांगते हैं, लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, जो पहली कॉपी होगी वो प्रपोजल फॉर्म के साथ अटैच की जाएगी। सेकेंड कॉपी उस ब्रांच को भेजी जाएगी जहां पीए कोड की सर्विसिंग होती है। पीए कोड की सर्विसिंग से क्या अभिप्राय है, यह भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
अथॉरिटी लेटर यानी कि फॉर्म नंबर 155 की जो थर्ड कॉपी होगी वो उस व्यक्ति के एम्प्लॉयर को या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। और फ्रेंड्स जो एनेक्शन 1A और 2 है इसकी जो थर्ड कॉपीज होगी वो उस लाइफ एश्योर को दी जाएगी। दोस्तों इसमें 2 महीने का प्रीमियम हमें कस्टमर से लेना होता है। फ्रेंड्स जिस व्यक्ति की हम पॉलिसी कर रहे हैं वह जहाँ कार्यरत है वहाँ का पीए कोड चाहिए और उस व्यक्ति का हमको एम्प्लॉय कोड या बैज नंबर चाहिए प्रपोजल फॉर्म में फिल करने के लिए। यदि उस व्यक्ति को अपनी कंपनी का पीए कोड नहीं मालूम है तो वह अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार देखते हैं कि इन सब फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद हम अपनी पॉलिसी को SSS के अंतर्गत ब्रांच में डिपॉजिट कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। दोस्तों जब भी आप SSS मोड के अंतर्गत पॉलिसीज को अपनी ब्रांच में डिपॉजिट करते हैं तो ऐसी पॉलिसीज की सर्विसिंग उस ब्रांच द्वारा दी जाएगी जिस ब्रांच ने पीए कोड इशू किया था। फ्रेंड्स यदि आपकी ब्रांच ने पीए कोड इशू किया है तो वह सर्विसिंग आपकी ब्रांच देगी, लेकिन यदि पीए कोड किसी दूसरी ब्रांच ने इशू किया है तो सर्विसिंग वह ब्रांच देगी। फ्रेंड्स होता क्या है, जब आप पॉलिसी को अपनी ब्रांच में डिपॉजिट करते हैं तो उसका डाटा ऑटोमेटिकली उसकी सर्विसिंग ब्रांच को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपको पॉइंट मालूम होना चाहिए कि जब भी SSS में पॉलिसीज को डिपॉजिट किया जाएगा तो आपको यह देखना होगा कि पीए कोड किस ब्रांच ने इशू किया है। दोस्तों यह है फॉर्म नंबर 300। जब भी आप SSS मोड के अंतर्गत पॉलिसीज को डिपॉजिट करेंगे तो इन 2 क्वेश्चन के जब तक आंसर नहीं मिलेंगे तब तक आपका केस प्रोसेस नहीं हो सकता। तो आपको अपने क्लाइंट से इनके आंसर इसमें जरूर फिल करवाने हैं। पहला है पेइंग अथॉरिटी कोड व डिपार्टमेंट नंबर, और दूसरा है उनको इशू किया गया एम्प्लॉय कोड या फिर कोई बैज नंबर या फिर SR नंबर। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि जब भी आप कोई नया पीए कोड अर्थात कोई नया पेइंग अथॉरिटी कोड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, किसी ऑफिस को, किसी इंस्टीट्यूशन को इशू करवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। दोस्तों इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी सिंपल और इसका कोई खर्चा भी अलग से नहीं है। तो आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों ये वो सेगमेंट है जहां आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। यदि आप उसको एक बार अच्छी तरह समझेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप अपने बिजनेस को काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। दोस्तों हमें ये देखना होगा जहां हम पीए कोड इशू करवाना चाहते हैं वहां एम्प्लॉयज की संख्या कितनी है। यदि वह 100 या उससे कम है तो पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते समय कम से कम 15 ऐसे एम्प्लॉयज हो जो इस स्कीम से जुड़ना चाहते हो। यदि संख्या 100 से अबव है तो हमें कम से कम 25 ऐसे एम्प्लॉयज की कंसेंट चाहिए जो इस स्कीम से जुड़ना चाहते हो। फ्रेंड्स वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन एम्प्लॉयज को SSS के अंतर्गत पॉलिसी दी जानी है वह सभी कंफर्म एम्प्लॉयज होने चाहिए अर्थात वह उस कंपनी के पे रोल पे होने अति आवश्यक हैं। दोस्तों ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। यदि हमको लगता है कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है तो उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी है ताकि नया पीए कोड जल्दी से जल्दी इश्यू करवाया जा सके। फ्रेंड्स सबसे पहले ब्रांच इंचार्ज साहब उस एम्प्लॉयर को एक लेटर भेजेंगे जिसमें स्कीम के बारे में पूरी ब्रीफिंग होगी। दोस्तों इसके तत्पश्चात एक एग्रीमेंट लेटर जिसको एम्प्लॉयर साइन करेंगे जहां पर पीए कोड इशू किया जाना है दैट शुड बी ड्यूली स्टैम्प और काउंटर साइन किया जाएगा रिस्पेक्टेड ब्रांच इंचार्ज द्वारा दैट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड। और फ्रेंड्स जब दोनों के साइन हो जाएंगे तो वह एड्रेस किया जाएगा वहां के रिस्पेक्टेड सीनियर डीएम सर को। दोस्तों इस एग्रीमेंट लेटर में हर प्रकार की टर्म्स व कंडीशंस मेंशन है जो एम्प्लॉयर को फॉलो करनी है आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ पीए कोड। दोस्तों एक क्वेश्चनर जिसको फॉर्म बी कहा जाता है वह एम्प्लॉयर के द्वारा फिल किया जाएगा और साइन किया जाएगा दैट शुड बी ड्यूली स्टैम्प बाय एम्प्लॉयर। फ्रेंड्स इसके साथ एक और क्वेश्चनर जिसको फॉर्म सी कहा जाता है अटैच किया जाएगा। इस क्वेश्चनर को वह ब्रांच फिल करेगी जिसने पीए कोड इश्यू करवाने के लिए प्रोसेस किया हुआ है।
फ्रेंड्स इस पर रिस्पेक्टेड बैच मेयर साहब साइन करेंगे व अपनी स्टैंप लगाएंगे। फ्रेंड्स एक फॉर्मेट साथ में अटैच किया जाएगा जिसमें उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स को मेंशन किया जाएगा जो इस स्कीम के साथ जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों जो एम्प्लॉयज शुरू में इस स्कीम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं उनके प्रपोजल फॉर्म, प्रीमियम व रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हम शुरू में ही ले लेंगे। जैसे ही पीए कोड इश्यू होगा तो इन सब के केसेस को अंडर द न्यू पीए कोड ब्रांच में डिपॉजिट किया जा सकेगा। फ्रेंड्स यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नया पीए कोड लगाना बहुत सरल है। सिर्फ तीन प्रकार के फॉर्म्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट फॉर्म है फॉर्म ए, एग्रीमेंट लेटर जिस पर एम्प्लॉयर व ब्रांच मैनेजर साहब साइन करते हैं। दूसरा है फॉर्म बी जिस पर एम्प्लॉयर साइन करेंगे और तीसरा है फॉर्म सी जिस पर ब्रांच मैनेजर साहब साइन करते हैं। और इसके बाद इस केस को डिविजन अथॉरिटी को भेजा जाता है जहां पर हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर डिविजन मैनेजर साहब इसका अप्रूवल दे देते हैं। फ्रेंड्स ये ड्राफ्ट लेटर है जो हमारे रिस्पेक्टेड ब्रांच मैनेजर साहब उस एम्प्लॉयर को भेजते हैं जहां पीए कोड लगवाना है। तो फ्रेंड्स यदि आपको इसका लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स जहां पेइंग अथॉरिटी कोड इश्यू किया जाना है वह इस बात की इच्छा जाहिर करती है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉय कोड लगवाया जाए, उसके लिए एक लेटर हमारे रिस्पेक्टेड ब्रांच मैनेजर साहब को भेजना चाहती हैं, तो उसका ड्राफ्ट आपके स्क्रीन पर है। यदि आप इसका लिंक चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों जब भी आप जहाँ नया पीए कोड इशू करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वहां उस सिंगल पॉइंट से आपका LIC बिजनेस काफी ग्रो करता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, ऑफिस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आउटसाइडर्स की एंट्री अलाउड नहीं होती, लेकिन आपकी वहां रेपुटेशन बहुत अच्छी बन जाती है, आप वहां का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, तो 100% आपका वहां से बिजनेस ग्रो करता है। फ्रेंड्स जब भी किसी नए कर्मचारी की वहां नियुक्ति होती है तो यह पॉसिबिलिटी होती है जो भी पॉलिसी होगी वो आपके द्वारा ही होगी। फ्रेंड्स वहां से आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, नए रेफरेंसेस मिलते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा जो भी एजेंट नया पीए को लगाता है एक किस्म का एकाधिकार सा बन जाता है। फ्रेंड्स इसमें आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में भी आप रहते हैं वहां आपको आज के बाद इसके लिए सर्च करना है कि वहां कोई ऑफिस हो, कोई कंपनी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इंस्टीट्यूशन हो या ऐसा प्लेस हो जहां काफी एम्प्लॉयज एक बड़ी संख्या में कार्य करते हो। वहां जाकर वहां के एम्प्लॉयर से आपने टाइम लेकर उनको पीए कोड के बारे में ब्रीफ करना है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी आपको एक पॉलिसी फाइनल करनी होती है तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से भी कई बार मिलना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ बात है पीए कोड की, तो उसके लिए भी आप ये मान के चलिए आपको काफी बार उस एम्प्लॉयर से मिलना होगा, उनको कन्विंस करना होगा। दोस्तों यकीन मानिए आपने एक बार पीए कोड एस्टेब्लिश कर दिया, इशू कर दिया, तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा। फ्रेंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि LIC ने मोस्टली हर जगह अपना पीए कोड इशू किया हुआ है, उसमें से काफी पीए कोड वर्तमान में इनएक्टिव है। क्या इनको दोबारा से एक्टिव किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है तो कैसे? फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे पीए कोड जो इनएक्टिव हैं उनको हम एक्टिव करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि नया पीए कोड इशू करने की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो फुलफिल नहीं करनी होंगी। फ्रेंड्स जो मिनिमम प्रपोजल फॉर्म्स हमको चाहिए वो जरूर पूरे होने चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था यदि एम्प्लॉयज की संख्या 100 है तो मिनिमम 15, और यदि 100 से अबव है तो हमको मिनिमम 25 प्रपोजल फॉर्म चाहिए। उसके बाद हम ब्रांच मैनेजर साहब की रिकमेंडेशन लेंगे जो कि डिवीजन ऑफिस मोस्टली अप्रूव कर देते हैं। इस प्रकार हम एक इनएक्टिव पीए कोड को एक्टिव पीए कोड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों ऐसे कौन से कारण हैं जब कोई एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉई का प्रीमियम LIC को नहीं भेजते हैं? दोस्तों ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है जब किसी एम्प्लॉई की रिटायरमेंट हो जाए, या उसने वह कंपनी छोड़ दी हो, या उसने रिक्वेस्ट करके अपना मोड चेंज करवा दिया हो, तो ऐसी परिस्थितियों में एम्प्लॉयर LIC को प्रीमियम नहीं भेजते हैं। दोस्तों LIC SSS को कब विड्रॉ कर सकती है?
दोस्तों जब यह देखा जाएगा कि जहां मिनिमम एम्प्लॉयज की संख्या जो होनी चाहिए वह उससे कम हो गई है, तब एलआईसी इस स्कीम को विड्रॉ कर सकती है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति ने SSS के अंतर्गत पॉलिसी ली हो और वह व्यक्ति उस कंपनी से रिटायर हो जाए या सर्विस को छोड़ दे, तब ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दोस्तों इस केस में सबसे पहले उनको सर्विसिंग ब्रांच को इंटीमेट करना चाहिए और अपना मोड ऑफ पेमेंट SSS से चेंज करवाकर जो भी मोड उनको कन्वीनियंट हो उसमें करवाना चाहिए। फ्रेंड्स यदि एक बार SSS स्कीम स्टैब्लिश हो गई तो उसके बाद कैसे हटाई जा सकती है? दोस्तों इसका राइट एम्प्लॉयर के पास भी है, LIC के पास भी है। उनमें से कोई भी 60 दिन का नोटिस देकर इस स्कीम को हटवा सकता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि गैप प्रीमियम से क्या अभिप्राय है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि LIC प्रति माह एम्प्लॉयर को एक इनवॉइस भेजती है जिसके माध्यम से उनके एम्प्लॉयज के प्रीमियम की डिमांड करती है, और एम्प्लॉयर भी उन एम्प्लॉयज की सैलरी में से प्रीमियम को डिडक्ट कर LIC को भेजते हैं। दोस्तों ऐसे समय में देखा जाता है कई बार एम्प्लॉयर LIC को विदिन टाइम प्रीमियम नहीं भेज पाते, या किसी कर्मचारी का प्रीमियम मिस हो जाता है, या किसी कर्मचारी का पॉलिसी नंबर रॉन्गली मेंशन हो जाता है स्टेटमेंट में जो LIC को भेजी जाती है, या उस कर्मचारी का कम प्रीमियम काट कर LIC को भेज दिया जाता है, या वह कर्मचारी उस सर्विस को छोड़ देता है और सर्विसिंग ब्रांच को इंटीमेट नहीं करता। इसी प्रकार से उसकी या तो कहीं और ट्रांसफर हो जाती है, उसका इंटीमेशन भी वह सर्विसिंग ब्रांच को नहीं देता। दोस्तों या तो उस पर्टिकुलर मंथ में उस व्यक्ति को सैलरी पूरी ना मिल पाई हो ड्यू टू डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, या तो फिर उस कंपनी ने उनकी छुट्टियों के कारण उनकी सैलरी को कम दिया हो, तो उस कारण भी उस पर्टिकुलर मंथ का प्रीमियम LIC तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों इन कारणों से हम देखते हैं कि LIC उस पर्टिकुलर पॉलिसी के प्रीमियम को अपडेट नहीं कर सकती है और नेक्स्ट मंथ प्रीमियम हमारे पास पूरा आ जाता है जिसको फिर LIC अपडेट करती है। दोस्तों इस दौरान जो बीच के मंथ का गैप आ गया जिसका प्रीमियम अपडेट नहीं हो पाया, इसी को बोलते हैं गैप प्रीमियम। दोस्तों गैप प्रीमियम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल एडवाइजर आपको यदि ऐसा लगता है कि किसी मंथ में गैप प्रीमियम रह गया तो आपको इसकी इंटीमेशन उस पॉलिसी होल्डर को देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका प्रीमियम उस सर्विसिंग ब्रांच में डिपॉजिट करना चाहिए ताकि उस पॉलिसी के रिस्क कवरेज के जो बेनिफिट्स हैं वो कंटिन्यूशन में बने रहें। फ्रेंड्स सब पीए कोड क्या होता है ये जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं जब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्तर पर कार्य कर रहे होते हैं उनकी दूसरी ब्रांचेस या फिर ऑफिसेज भी होते हैं। फ्रेंड्स जब LIC ने एक बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को पीए कोड इशू कर दिया उसके बाद उसके अंतर्गत जो ब्रांचेस या ऑफिसेज होते हैं उनको सब पीए कोड इशू किया जाता है ताकि उनको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। उदाहरण के रूप में हम देखें जैसे रेलवेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या कोई भी कंपनी जो बड़े स्तर पे कार्य कर रही है जिसके डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे समय में LIC उनको सब पी कोड इशू करती है। दोस्तों यदि कोई पॉलिसी SSS के अंतर्गत की जाती है और भविष्य में यदि वह सरेंडर होती है और सरेंडर होने के पश्चात उसका प्रीमियम एडजस्ट होता है, तब उस प्रीमियम का क्या होता है? दोस्तों ऐसे प्रीमियम को LIC उस पॉलिसी होल्डर को रिफंड कर देती है। दोस्तों यदि कोई पॉलिसी SSS के अंतर्गत की गई है तो क्या पॉलिसी होल्डर उसका मोड चेंज करवा सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? दोस्तों ये पॉलिसी होल्डर का राइट है, वह इसका मोड चेंज करवा सकते हैं, उनको अपनी रिक्वेस्ट सर्विसिंग ब्रांच को देनी होगी। दोस्तों जब आप SSS के अंतर्गत पॉलिसीज करते हैं तो एक प्रोफेशनल एडवाइजर के रूप में आपका क्या रोल है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रोफेशनल एडवाइजर के रूप में आपका रोल अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको ये देखना होगा जिस व्यक्ति की पॉलिसी आपने SSS के अंतर्गत की है उनका प्रीमियम उनकी सैलरी से उनके एम्प्लॉयर के द्वारा डिडक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और उस प्रीमियम को जो डिडक्ट किया गया है वह सर्विसिंग ब्रांच को भेजा जा रहा है या नहीं भेजा जा रहा। फ्रेंड्स आपको यह भी देखना होगा यदि वह प्रीमियम उस सर्विसिंग ब्रांच को भेज दिया गया तो उस ब्रांच ने उस प्रीमियम को उनकी पॉलिसी में अपडेट किया
या नहीं किया। फ्रेंड्स, आपका रोल एक लाइसनिंग का है एम्प्लॉयर और एलआईसी के बीच में। उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे तो आपको दोनों के पार्ट पे एक्टिव रहना होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका फ्यूचर बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है यदि आप वहाँ के एम्प्लॉयर को और उनके एम्प्लॉयज को अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दें जहाँ पर पीए कोड इशू किया गया है। फ्रेंड्स, आप ट्रिपल एस के अंतर्गत यदि एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको रिकंसिलेशन और गैप प्रीमियम की भी जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, व्हाट इज रोल ऑफ एम्प्लॉयर? जैसा कि हम जानते हैं, एलआईसी प्रति माह एम्प्लॉयर को एक इनवॉइस भेजती है और उनसे उनके एम्प्लॉयज के प्रीमियम की डिमांड करती है। दोस्तों, एम्प्लॉयर भी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी से प्रीमियम को डिडक्ट करते हैं और उसके बाद जो इनवॉइस भेजा गया है उससे उसको रिकंसाइल करते हैं। यदि वह इक्वल आता है तो वो उसको एलआईसी की सर्विसिंग ब्रांच को भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी अवस्था में ये देखा जाता है जो एम्प्लॉयर ने प्रीमियम डिडक्ट किया वह उस इनवॉइस के अकॉर्डिंग या तो अधिक है या फिर कम है, तो उनके जो रीजंस होंगे उसको भी वह एलआईसी की ब्रांच को इंटीमेट करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी एम्प्लॉयर ने प्रीमियम डिडक्ट किया वह सर्विसिंग ब्रांच को विद इन 7 डेज भेज दिया जाना चाहिए। दोस्तों, एक प्रोफेशनल एडवाइजर के रूप में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सैलरी सेविंग स्कीम से एम्प्लॉयर व एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, इन्हीं बेसिस पे आप उनको नया पीए कोड लगवाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर को ये सूचित करना होगा कि एलआईसी ने जितने भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, ऑफिसेज हैं, उनको एक पीए कोड अलॉट किया हुआ है। वह अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में से एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम डिडक्ट कर एलआईसी ब्रांच को भेजते हैं। फ्रेंड्स, एज ए गेस्चर ऑफ गुडविल उनको ये पीए कोड लेना चाहिए, तो इस बात के लिए वो अवश्य रूप से कन्विंस होंगे। दोस्तों, हमें उनको ये भी ब्रीफ करना होगा कि आज की डेट में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, बहुत प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च की जाती है। तो दोस्तों, सैलरी सेविंग स्कीम एक प्रकार की वेलफेयर स्कीम है एम्प्लॉयज के लिए जो कि विदाउट पोस्टिंग है। फ्रेंड्स, आपको इसको डिटेल में उनको ब्रीफ करना होगा। फ्रेंड्स, जब भी कोई एम्प्लॉयर सैलरी सेविंग स्कीम्स का ऑप्शन अपने एम्प्लॉयज को देता है तो वह उनकी दो प्रकार से सहायता करता है। पहला, ओल्ड एज प्रोविजन। दूसरा, यदि कुछ भी मिस हैपनिंग उस एम्प्लॉय के साथ होती है तो उसके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि दोनों पॉइंट्स एलआईसी पॉलिसी से ही संभव है, तो ये पॉइंट आपको उनको कन्विंस करना होगा कि यदि वह सैलरी सेविंग स्कीम अपने एम्प्लॉयज के लिए ले रहे हैं तो वह अपने एम्प्लॉय की ड्यूरिंग द लाइफ और आफ्टर द लाइफ दोनों प्रकार से उनकी हेल्प कर रहे हैं। सैलरी सेविंग स्कीम से एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उनका मोरल बूस्टअप होता है, उनकी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आता है, वह अपना बेस्ट करते हैं, उनका आउटपुट बहुत बेहतर हो जाता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रकार उनका ट्रस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ता है। फ्रेंड्स, उनकी रिटेंशन भी बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार सैलरी सेविंग स्कीम से एम्प्लॉयर को काफी बेनिफिट्स होते हैं। बस दोस्तों, आपको ये उनको अच्छे ढंग से ब्रीफ करने हैं, कन्विंस करने हैं। एक बार एम्प्लॉयर कन्विंस हो जाते हैं तो आपको नया पीए कोड लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ट्रिपल एस से एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट मिलते हैं। फ्रेंड्स, वह मंथली मोड पर पॉलिसी ले सकते हैं। दोस्तों, जो उन्होंने पॉलिसी ली है उसका प्रीमियम रेगुलर बेसिस पर उनकी सैलरी से स्मूथली डिडक्ट हो जाया करेगा। उनको भविष्य में इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि मेरे प्रीमियम की ड्यू डेट क्या है, यदि मैंने ड्यू डेट पे प्रीमियम डिपॉजिट नहीं किया तो लेट फाइन कितना होगा। दोस्तों, इस प्रकार वह अपनी कंपल्सरी सेविंग को बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रिपल एस के अंतर्गत यदि पॉलिसी ली जाती है तो वह लैप्स नहीं हो पाती है क्योंकि रेगुलर प्रीमियम काटा जाता है और वह एलआईसी को भेजा जाता है। फ्रेंड्स, यदि पॉलिसी किसी दूसरे मोड में ली जाती है तो पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम डिपॉजिट करने के लिए एक सेपरेट सेविंग करनी होती है, लेकिन जब पॉलिसी ट्रिपल एस में ली जाती है तो किसी प्रकार की सेपरेट सेविंग नहीं की जाती। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिबेट पॉइंट ऑफ व्यू से उस एम्प्लॉई को अपने ऑफिस में सेपरेटली कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता क्योंकि एम्प्लॉयर ने ही सैलरी से प्रीमियम डिडक्ट किया हुआ है।
फ्रेंड्स, यदि पॉलिसी ट्रिपल एस में ली जाती है तो एम्प्लॉई को बेटर और डोर स्टेप सर्विस मिल जाती है। फ्रेंड्स, सैलरी सेविंग स्कीम इज बेटर देन ग्रुप इंश्योरेंस, क्योंकि फ्रेंड्स जब कोई कर्मचारी अपनी कंपनी को छोड़ देता है तो ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पॉलिसीज होती हैं उनके बेनिफिट्स कंटिन्यूशन में रहते हैं। दोस्तों, सैलरी सेविंग स्कीम के अंतर्गत कोई भी इम्प्लॉई अपने स्पाउस और बच्चों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। दोस्तों, आज हमने सैलरी सेविंग स्कीम के टॉपिक को अच्छी तरह समझा। चूंकि इसकी लैक ऑफ अवेयरनेस है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेगमेंट में कड़ी मेहनत करें तो आपको भविष्य में काफी अच्छा ऐसे बिजनेस मिल सकता है, आप काफी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही विषयों पर वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करें। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो बेल आइकन सबसे पहले प्रेस करें। थैंक यू सो मच।